पिछले 6 सालों से सो रहा है यह रहस्यमय गांव। इस दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घटती रहती हैं, जिसका कारण ढूंढने में वैज्ञानिक भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी ही कुछ घटना पिछले 6 सालों से उत्तरी खाजिकिस्तान में काचली गांव में हो रही है। यह गांव पिछले 6 सालों से एक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के चलते इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है। इस बीमारी की शुरुआत अप्रैल 2010 में हुई थी। तब से ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इस गांव की आबादी 600 के आसपास है, जिसमें से 14% आबादी इस बीमारी की चपेट में आ चुकी है। इस बीमारी के व्यक्ति को कभी भी कहीं भी अचानक से नींद आ जाती है। कभी कभी वह नींद कुछ दिनों के लिए होती है, तो वही यह बीमारी व्यक्ति को महीने भर के लिए भी सुला देती है। ऐसी एक घटना स्कूल में हुई, जब 8 बच्चे स्कूल में सो गए और अभी तक भी सो रहे हैं। यह बीमारी किस कारण से फैल रही है, इसका कारण अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया है। अभी तक की जांच में यह पाया गया कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों के दिमाग में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में अचानक से यह तरल पदार्थ क्यों बढ़ जाता है, इसका अभी तक पता नहीं चला। कजाकिस्तान का यह गांव एक बंद हो चुकी यूरियन के खदान के पास स्थित है, जिसमें जहरीली रेडिएशन होती है, पर गांव में रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है और डॉक्टर भी इस बीमारी के लिए रेडिएशन को जिम्मेदार नहीं मानते। अप्रैल 2010 में पहला व्यक्ति को अब तक इस बीमारी का 7 बार अटैक आ चुका है और वह कुछ दिनों से महीने तक सोता रहा है। इस प्रकार 6 सालों की कोशिश के बावजूद भी वैज्ञानिक इस रहस्यमय बीमारी का कारण और सरल खोज नहीं सके हैं और शायद फ्यूचर में भी नहीं खोज सकेंगे। ये थी SM न्यूज रिपोर्ट।